बोर्ड है, हमारे सभी पार्षद है साथी चाहते हैं कि हम भी नगर परिषद में भ्रष्टाचार मुक्त होकर काम करें, लेकिन जिस तरह से 5 महीने से हमारे हर पद को फटवार बना रखा है, ऐसा लग रहा है कि शहर में नगर परिषद है ही नहीं। शरम करो, शरम करो। नगर परिषद में हमारे आयुक्त JNAN प्रॉपर है होंगे नहीं तो काम कहां से होगा। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह रहे हैं प्रशासन तैरों पर लगाकर जनता को लाभ मिलना चाहिए, वही एक और नगर परिषद कम्युनिटी में अधिकारी मौजूद ही नहीं है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पिछली बार जब पानी की समस्या हुई थी तब हमने हल्ला बोल रही निकाली थी और आप सभी के आशीर्वाद के कारण 3 दिन के अंदर पानी चालू हो गया था। जब हमारे प्रशासन अधिकारी कह रहे थे कि पानी की समस्या विकट है और पानी के पंप सही नहीं हो सकते 20 दिन तक, क्योंकि चंबल में पानी इतना ज्यादा है कि उन पंपों की रिपेयरिंग संभव नहीं है। मैं कहना चाहूंगा आप सभी के माध्यम से, हमने जब जन उद्धार रैली के माध्यम से इस बात को रखा तो 3 दिन के अंदर ही पानी सही हो गया, क्योंकि यह आप सबकी ताकत थी। आज हम सब ने इसी ताकत के बदौलत हम चाहेंगे कि हमारे पानी की व्यवस्था को दोबारा दुरुस्त किया जाए। पानी और बिजली हमारी मूलभूत आवश्यकता है। सड़कों की व्यवस्था इतनी खराब है, आज हमने 1.5 साल पहले जो रोडें विकसित की थी उन सभी रोडों को हमारे माननीय राम के चुटनी द्वारा तार दिया गया और आज 1.5 साल बाद कहते हैं कि वो रोडें क्यों नहीं बन रही। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी इस मुद्दे को जोर शोर से रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। बिजली पानी दे न सके। बिजली पानी दे न सके। वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अभी जैसा कि हमारे नगर परिषद सभापति जी ने बताया कि राजनीतिक दोषता के कारण गंगापुर सिटी में नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड होने के कारण स्थानीय विधायक उनको गंगापुर के विकास से कोई सरोकार नहीं है। गंगापुर के विकास के लिए वो 1 रुपया भी अभी तक सेंक्शन नहीं करा पाए हैं और जो 1.5 साल पहले नगर परिषद के द्वारा गंगापुर की अंतर रोडों के लिए जो एक प्रस्तावना भेजी गई थी सारी रोडों को बदलकर स्थानीय विधायक अब उन रोडों के बारे में चिंतित है। और वो भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भास्कर को कि कम से कम आपके द्वारा स्थानीय विधायक को पता तो चला कि गंगापुर की रोडें खराब है। आज 3 साल बाद भास्कर के द्वारा स्थानीय विधायक को पता चल रहा है कि गंगापुर की रोडें खराब है, इसके लिए भास्कर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे जन-जन के लाडले पूर्व विधायक विकास पुरुष जिनके कार्यकाल में गंगापुर में शायद ही एक भी ऐसी रोड रही हो जो टूटी फूटी हो, उनके कार्यकाल में जिन्होंने 1 साल तक गंगापुर में LNT के द्वारा सीवरेज का काम कराया, पुरानी गंगापुर में भरी आबादी में LNT का काम कराया, परंतु मजाल है कि कोई पब्लिक परेशान हो गई हो, जितना काम किया उसको पहले दुरुस्त कराया फिर आगे का काम कराया। उनकी इसी मॉनिटरिंग इसी विकास पुरुष ऐसे हमारे पूर्व विधायक श्रीमान मान सिंह जी मुझे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई गिरधारी सोनी जी, भाई पुखराज जी सलेमपुर, हमारे बजीरपुर ग्रामीण मंडल के सभी पदाधिकारी, जिले के महामंत्री भाई मनोज बंसल जी, आदरणीय खटाना जी, हमारे सभापति सम्मानीय शिवरतन जी अग्रवाल साहब, प्रधान श्रीमती मंजू जी गुजर साहब,
उप प्रधान भाई पुष्कर जी जाट जी, हमारे पूर्व उप सभापति भाई दीपक जी सिंगल साहब, आदरणीय सत्यनारायण जी भाई साहब, आदरणीय राम सिंह जी खटड़ा जी, भाई धन सिंह जी, आदरणीय गिरिराज जी, हमारे सभी पार्षदगण, बड़ी संख्या में आई बहने और पूरे सभी मंडलों से आए सभी कार्यकर्ता साथियों और गंगापुर के आम नागरिकों, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के इस जनहोकार कार्यक्रम में केवल सूचना मात्र से इतनी बड़ी संख्या में जो आप लोग इकट्ठा हुए, मैं समझता हूँ प्रशासन को और यहाँ के नुमाइंदों को ये समझना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में गर्मी के मौसम में आपको चेताने के लिए, आपकी कुंभकर्ण की नींद को जगाने के लिए जो कार्यकर्ता आए हैं, और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार बारी बारी से जो बातें रखी है, मैं समझता हूँ अगर ये राजनीतिक धर्म और शासकीय धर्म निभाने का काम यहाँ का प्रशासन जनप्रतिनिधि करेंगे तो पूरी बातें मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कह दी। कार्यकर्ता साथियों, आप गोपाल जी भाई, पूरे कार्यकर्ता साथियों, आज गंगापुर में जिस प्रकार से पेयजल किल्लत है, मेरी माँ बहने जिस प्रकार से पानी के लिए तरसती है, रात और दिन पानी के लिए जिस प्रकार के फोन आते हैं, पूरे गंगापुर में जिस प्रकार से लाइन लगा करके पानी को टकटकी लगा करके माँ बहने जो परेशान है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है, यहाँ का विधायक जिम्मेदार है, यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है। हमने 2013 के अंदर, जो 17 के अंदर गंगापुर को चंबल का पानी जब लाए थे, तो गंगापुर के चंबल के पानी में किस प्रकार से उसको पुख्ता तरीके से गंगापुर की जनता को दिया जा सकता है, उस दिशा में राजस्थान की सरकार ने, यहाँ के नुमाइंदों ने कोई काम नहीं किया। यही कारण है कि आज गंगापुर में जो पानी हम लेकर के आए उसमें रत्ती मात्र की बढ़ोतरी नहीं हुई। भाई धन सिंह जी जैसा कह रहे थे साहब टंकी में पानी नहीं आ रहा, टंकी में पानी आएगा कहां से, इन्होंने पानी को बढ़ाने का कोई काम ही नहीं किया। जो 4 पंप हमने इंस्टॉल किए थे उन पंपों की रिपेयरिंग का पैसा इनके पास में नहीं है, और जो प्रधानमंत्री की घर घर नल योजना है जिससे लगभग 50% गांवों को चंबल से जब जोड़े बिना पानी मिल नहीं सकता, तो ऐसे मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी आपसे कहना चाहते हैं, मेरे हाथ में हमारे वजीरपुर का, सेवा का, टोक्सी का, जीवली का, और हमारे जो शेखपुर का, शहरौली का, सब जगह के गांवों का ये ज्ञापन है और सब लोगों का ये कहना है कि जब तक हम चंबल से नहीं जुड़ते पानी आएगा कहां से, तो इन गांवों को जानबूझ करके चंबल से नहीं जोड़ना, चंबल की योजना के लिए पैसा नहीं देना। गंगापुर के 6.5 ML पानी में से माननीय विधायक जी आप अपने घर के लिए, अपने पंप के लिए, अपने रेजिडेंस के लिए 1.5 ML गंगापुर का पानी काट रहे हो, शरम आने चाहिए, राजा होकर चोरी कर रहे हो। गंगापुर का पानी बढ़ाना चाहिए था आपको, अगर आप में हिम्मत थी तो पानी बढ़ाते, लेकिन इस प्रकार का पानी को चोरी करके, गंगापुर की जनता के हक को छीन करके आप जो पानी लेने का काम कर रहे हो, आपसे हम कहना चाहते हैं कि गंगापुर की जनता ने जब हमको इस बार हमारी जिम्मेदारी दी थी तो चंबल के पानी को लाकर के, चंबल के पानी को गंगा के रूप में पूछ करके हमने ये सोचा था कि आने वाले समय के अंदर गंगापुर की जनता को पानी से निजात मिलेगी। लेकिन गंगापुर की जनता को जैसे ही दूसरे विधायक मिले, उन विधायक ने गंगापुर के साथ में बदला देना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से चुनावों के अंदर उन्होंने अनाप शनाप बयानबाजी की थी, मैं मेरे मुंह से कह नहीं सकता, लोकतंत्र में इतनी शर्मसार भाषा भी कोई बोल सकता है, उस व्यक्ति ने चंबल योजना में 1 रुपए का काम नहीं कराया, वहां पे 21 पंपों के अंदर जो इंटेक बैल है उस पर काम नहीं हुआ, वहां पे पंपिंग स्टेशन का काम नहीं हुआ, लिफ्ट परियोजना का काम नहीं हुआ, तो लिफ्ट नहीं होगा, ऐसा CSEWR के अंदर कोई फिल्टर प्लांट नहीं लगा तो पानी आएगा कहां से। आज भी गंगापुर की जनता को बिना फिल्टर का पानी आप पिला रहे हो, टकरी डाल के पानी पिला रहे हो, शर्म करो प्रशासन के लोगों, PhD के लोगों, आप करोड़ों रुपए खा गए। अमृत योजना के अंदर हमने पिछली बार भी कहा था, आज जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहते हैं, गंगापुर के अंदर में जो 96 करोड़ रुपए की अमृत योजना थी उसमें कम से कम 8 करोड़ रुपए का घपला है। राजस्थान की सरकार और कलेक्टर सुन ले, उसकी जांच कराओ। जिम्मेदारी के साथ में हम कह रहे हैं 8 करोड़ रुपए के माल को ऊपर पी गए। आज जमीन के अंदर कौन सा पाइप लग रहा है, नए पाइपों को जो है कागजों में बता दिए गए, पुरानी लाइनें डाल दी गई है, आज गांव गांव में, शहर के अंदर वार्डों में कोई कनेक्शन नहीं।
मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो हमेशा जनहित के मुद्दों को लेकर के मातृभूमि की रक्षा के लिए, सर्व कल्याण के लिए, सबके हितों के लिए काम करता है, उस कार्यकर्ता ने कई बार आपको जगाने का काम किया। आज भी इस जन हुकार के माध्यम से आप देख ले, आपके आप अगर नजर फेर कर देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता आया है वो अपनी मन की पीड़ा लेके आया। अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन ये मन की पीड़ा ये है कि मेरी माँ बहन को पानी मिले, गांव के अंदर जो है बिजली समय पे आ जाए, बिजली में कटौती नहीं हो, बुजुर्ग को बिजली की हवा मिल सके, माँ बहन को समय पे काम कर सके। और आज गांव के अंदर, शहर के अंदर जो सड़कों को खोद कर पटक रखा है, जितनी भी सड़कें उनको खोद कर पटक दिया। और अभी आपको हास्यास्पद कहना चाहूंगा, एक दिन हमारे विधायक जी का बयान आता है कि नगर परिषद ने 20 करोड़ रुपए का पेमेंट कैसे कर दिया, 20 करोड़ रुपए का पेमेंट करे, उसके बाद में कहा कि 82 लाख रुपए कैसे दे दिए, और उसके बाद कहते हैं कि मैं 13 सड़कें बनाऊंगा और उनकी मॉनिटरिंग करूंगा। विधायक जी के 4 साल से सो रहे थे क्या आप? 4 साल में आप कुंभकर्ण की नींद से जग करके आज मॉनिटरिंग की बात करते हो? गंगापुर में 1000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग आप नहीं कर रहे। जिन टंकियों के अंदर पानी आना चाहिए था, जिस चंबल का पानी आना चाहिए था, घर घर नल योजना का मात्र 11% काम सवाई माधोपुर जिले में हुआ है। अधिकारियों जरा कान से सुन लो, आपको शर्म आनी चाहिए, सवाई माधोपुर जिले में सबसे कम चंबल इसका जो है घर घर नल योजना का काम हुआ है। भाई हरिओम जी ठीक कह रहे थे, राजस्थान के अंदर सबसे कम सड़कें अगर किसी विधायक को मिली है तो रामकेश जी आपको मिली है। जरा आपको, आप बहुत फोटो डाल रहे हो उसकी जो है चार्टर प्लेन की, चार्टर प्लेन में तो आप बैठ जाओ, गंगापुर की जनता को आप जितना चाहो बेच लो, आपने पहले भी बेचा है, लेकिन गंगापुर की जनता आपके चार्टर प्लेन को देख रही है, उससे उसको पानी नहीं मिलने वाला, उसका पेट नहीं भरेगा। गंगापुर की सड़कों को काट करके आप चार्टर प्लेन में होटलों में सरकार के साथ में जो गुलछर उड़ा रहे हो, राजस्थान की जनता, गंगापुर की जनता आपको देख रही है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं भाई, आज गंगापुर के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, 90 जमीन लोगों में आम चर्चा है। आम चर्चा क्या है कि साहब 90 का तो चेयरमैन से तो कोई लेना देना नहीं, आयुक्त तो गंगापुर में है नहीं, कभी कोई आता है कभी कोई जाता है, आया राम गया राम हो रहा है, इसलिए उनकी फुटबॉल बना रहे। मेरे से पहले कह रहे थे वक्ता कि उनका भाई अटल जी कह रहे थे कि अधिकारियों में भय करके और उनको जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, 90A का रजिस्टर आम चर्चा है कि विधायक जी के पास में होता है और विधायक जी चाहते हैं उसी की 90A जमीन होती है। मैं कहना चाहता हूँ 90A के अंदर बड़ा भारी घोटाला और भ्रष्टाचार है, और जिस प्रकार से 90A जमीन की जा रही है, उस जमीनों में जो बस्तियां बसाई जा रही है, कॉलोनियां बसाई जा रही है, उसमें सरकार का नियम है कि 10 हेक्टेयर तक की जमीन पर 40% और उससे कम जमीन पर 50% जमीन सरकार को सरेंडर करनी होती है। उसमें सरकार का जो निकाय, स्थानीय निकाय होता है, वो उसका वह सुविधाओं को विकसित करता है, पार्क बनाता है, सड़कें बनाता है, लेकिन गंगापुर में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। गंगापुर में इसका कोई लेना देना नहीं है, कौन सी कॉलोनी में कितना पार्क बनेगा, कहाँ कितनी सड़क बनेगी, लेकिन 90 हो रही है। इसलिए इस धरने के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, महामहिम को ज्ञापन दे रहे हैं, माननीय राज्यपाल महोदय आपसे निवेदन करना चाहेंगे, राजस्थान की सरकार से भरोसा उठ गया, राजस्थान के अधिकारियों पर जनता का भरोसा नहीं रहा, 4 साल में जितनी भी 90 जमीनें हुई है उनकी जांच होनी चाहिए, हम मांग करते हैं। ये बात सही है, उनकी जांच, उनकी जांच होनी चाहिए, उसकी हम मांग करते हैं। भाइयों, आज हमारे बीच में हमारी बहनें आई है, वार्ड नंबर 20 से वार्ड नंबर 26 से, 26 के अंदर कनेक्शन काट करके और दूसरे कनेक्शन दे दिए, दूसरे नए कनेक्शन दे दिए, लेकिन आज भी पानी नहीं है। BAR 20 नंबर वार्ड का है, और जो हमारे दूसरे भाइयों ने जो ज्ञापन दिया है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी कल परसों मेरी एक्शन साहब से बात हो रही, एक्शन साहब से पूछा मैंने, एक्शन साहब हमारे समय की जो 25 बोरिंग थी उनको आपने डी सेंक्शन कैसे कर दिया? कहने लगे साहब अब उसकी जरूरत नहीं है, ठेकेदार चला गया इसलिए वो लग नहीं पाएगी। 25 बोरिंग जिसमें छाबा की, बगीची की, जीवली के, जोगियों के मोहल्ले की, बजीरपुर के, बैरों के मोहल्ले की, और ऐसी जगह थी जहां पानी की आवश्यकता थी, उन सबको डी सेंक्शन कर दिया।
डिसेंशन क्यों कर दिया? क्योंकि पहले वाली कंपनी का 3.5 करोड़ बकाया। अशोक गहलोत जी आप कर्जा नहीं चुक रहे, राजस्थान की जनता को बिजली का कोयला खरीदने का आपके पास में पैसा नहीं है, लेकिन होटल में 5 स्टार में रहने का आपके पास में बहुत पैसा है। चार्टर प्लेनों में आप जा रहे हो और गंगापुर की जनता पानी के लिए ट्राई ट्राई कर रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आपने जो इनको डिसेंशन किया है, यही हालत घर घर नल योजना की है। जब तक उसको चंबल से नहीं जोड़ोगे, चंबल से जोड़ भी दोगे आप, तो वहां पर अगर पानी के लिए पैसा सेंक्शन नहीं करोगे, वहां पर चंबल का अगर बजट स्वीकृत नहीं करोगे, तो पानी मिलेगा कहां से? मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे विधायक जी बहुत बड़े बड़े बड़बोले करते थे कि मैं पाचना का पानी लाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं नहर को खोलूंगा। आज मेरे भाइयों, कमांड एरिया के भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, विधायक जी ने 4 विधायकों के साथ में मिलकर के बजट के समय मुख्यमंत्री को ये योजना बढ़ा के दी थी कि हम किस प्रकार से पानी लाना चाहते हैं। माननीय विधायक जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी फाइल को मुख्यमंत्री ने फेंक दिया, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपने बेतुक की बात की थी। जिस योजना को माननीय वसुंधरा जी ने ईस्टर्न कैनाल के नाम से 13 जिलों को पानी की जो योजना बनाई थी, तुम्हारी सरकार, तुम्हारा मुखिया अशोक गहलोत जीवन में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वो भी कहता है कि बिना ईस्टर्न कैनाल के राजस्थान का भला नहीं हो सकता। लेकिन राजस्थान का भला नहीं हो सकता, 4 साल के अंदर आपकी सरकार ने उस पर 1 रुपये नहीं दिया। ये 13 जिलों के लोगों को जो पानी मिलना चाहिए था, माननीय वसुंधरा जी ने जो मैत्री योजना बनाई थी, उस योजना का पानी सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि अशोक गहलोत जी आपने लड़ने में गुजार दिए। आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जो लड़ाई लड़ी, आपने जिस प्रकार से होटलों के अंदर मेमेनेज को ले जाने का काम किया, दिल्ली के ढोक लगाने का काम किया, मैं समझता हूँ राजस्थान के इतिहास में 4 साल में एक मुख्यमंत्री 400 से ज्यादा बार दिल्ली जाके दरबार में ढोक लगाए, इससे ज्यादा कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, आज आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे सेड रोड के ऊपर कांग्रेस के पार्षद है मुजाहिद, एमएलए साहब के सबसे नजदीकी है, मंदिर माफी की जमीन पे कब्जा कर रहा है। मंदिर माफी की जमीन पे 2 मंजिल का भवन बन चुका, यहाँ के प्रशासन को नहीं दिखता। अगर कोई गरीब कहीं कोई झोपड़ा बनाता है तो उसको तोड़ते, उस गरीब के झोपड़े को लूटने का काम करते है, लेकिन वो मुजाहिद का महल नहीं दिख रहा क्योंकि वो एमएलए के पास में बैठता है। शर्म करो एमएलए साहब, किस प्रकार से कब्जे कराने का काम कर रहे हो, मंदिर माफी की जमीनों पे काम कर रहे हो। आज रात को मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे, आज रात को जो गंगापुर का वीडियो संजय शर्मा जो आरएएस अधिकारी था, उस आरएएस अधिकारी को रात में हटा करके एक ऐसे आदमी को जो आपकी 5 साल से 8 साल से चमचागिरी करता है, उसको आप वीडियो लगाते हो। गंगापुर के इतिहास में पहली बार जहां आईएएस एसडीएम लगा करता था, गंगापुर में एसडीएम नहीं है क्योंकि आपको अपने काम का एसडीएम नहीं मिल रहा है। आपको वो एसडीएम चाहिए जो आपके हिसाब से काम कर सके। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कार्यकर्ता साथियों, ये जो लड़ाई है ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये गंगापुर के हितों की लड़ाई है, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, और ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई को, आम जनता के हक की लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे। हमारे पास में बड़ी उदयी बिल्कुल नजदीक है, आज तक वो चंबल योजना से नहीं जुड़ी। हमने जिस प्रकार से उसको राजमाड़े से पानी देने का काम किया, उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ साथी, आज जिस प्रकार से अमृत महोत्सव के अंदर केंद्र सरकार ने पैसा देकर के गंगापुर में बड़े 20 तालाबों के लिए 20-20 लाख रुपए की सेंक्शन दी है, अभी तक गंगापुर में एक तालाब पे भी खुदाई का काम नहीं हो रहा है, और थोड़े दिन में बरसात आ जाएगी और इनके चहेते जेसीबी से 20 लाख रुपए को भर करके जेब भरने का काम करेंगे। मैं इसकी निंदा करना चाहता हूँ कार्यकर्ता साथियों। और एक मेरा बहुत संगीन आरोप है, माननीय विधायक जी आपके बारे में कहा जा रहा है कि वार्ड नंबर 47 के अंदर आपके नाम से मंदिर माफी की जमीन पे कब्जा किया गया है। एक विधायक के ऊपर इस प्रकार के आरोप जब लगते हैं तो विधायक जी आपको जनता का जवाब देना चाहिए था। मैंने क्या, गली गली में चर्चा है, आम चर्चा है कि वार्ड नंबर 47 में मंदिर माफी की जमीन पे आपका
नाम से ये कह रहे हैं कि एमएलए की जमीन है। आपको शर्म करनी चाहिए विधायक जी, जहां भी आप सुन रहे होंगे आप जनता को जवाब दीजिए। और यहाँ पे एडीएम एसडीएम जो बैठे उनसे भी कहना चाहता हूँ, जरा गैरत है तो जो जनता की गैरत है तो जनता के काम कीजिए। एसडीएम साहब, एडीएम साहब, एडीएम साहब, इस गंगापुर के एडीएम का स्टेटस को बनाइए। जिस प्रकार से आपने इस स्टेटस को खत्म करने का काम किया है, गंगापुर की जनता को शर्म आती है आपको। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो पीएचडी के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार है और पीडब्ल्यूडी ने तो हद ही कर रखी है भाई। पीडब्ल्यूडी सर कोई पूछने वाला ही नहीं, कहां कौन सा काम रिपेयरिंग का काम हो रहा है, केवल कागजों में भ्रष्टाचार हो रहा है। क्योंकि जैसा भाई अटल जी कह रहे थे कि जहां जिस प्रकार से जब उनके ऊपर मेहरबानी होती है तो वो किस प्रकार के काम करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कार्यकर्ता साथियों, आज जिस प्रकार से इन योजनाओं का, जैसे नगर परिषद और पंचायत समिति पहली बार राजस्थान के इतिहास में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो 27 तारीख के पूरे अखबार आप मई के देख लीजिए, उसमें खुलेआम आया कि कांग्रेस के बोर्ड को 60 करोड़ और बीजेपी के बोर्ड को 20 करोड़। आज तक दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। सरकारें बदलती है, प्रशासन बदलता है, सत्ता आती है जाती है, लेकिन जो है जिस प्रकार से नगर निगमों के अंदर जो भ्रष्टाचार है, आज गंगापुर की नगर परिषद को 4 साल में 1 रुपए का अनुदान नहीं है, जब हम एमएलए तक 13 करोड़ रुपए साल का अनुदान हमने गंगापुर को देने का काम किया, आज गंगापुर को क्यों नहीं अनुदान मिल रहा है। और 1 करोड़ 20 लाख रुपए नगर परिषद से उल्टे ले लिए एक्शन प्लांट के नाम। यही हालत पंचायत समिति की है। पंचायत समिति के अंदर काम करने के लिए जैसे ही प्रधान जी काम करना शुरू करती है, बहुत कम मरते हो विधायक जी, आप कहते हो मैं एससी का समर्थक हूँ, एससी के लोगों के लिए काम करता हूँ, भी एससी का एक वीडियो लगा, उस एससी के वीडियो को 5 दिन आपने काम नहीं करने दिया। गरेवान में झाको, गंगापुर के लोगों पहचानो ये लोग किस प्रकार का तानाशाही और किस प्रकार से अपना काम करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कार्यकर्ता साथियों, हमारी मांग है ये जो भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए उनकी जांच होनी चाहिए। गंगापुर में चंबल का पानी मिले इसके लिए बजट स्वीकृत हो, गंगापुर की सड़कों की हालत ठीक हो, और जो नैन की जो हमारा घर घर नल योजना का काम है वो गति पकड़े, और हमारे जो सेवा और बजीवली चौकसी बजीरपुर के जो कमांड एरिया के गाँव है जो चंबल योजना में नहीं, उनको चंबल योजना में जोड़ करके घर घर नल देने का काम हो, तभी जाकर के उनको पानी मिलेगा। इन मांगों को लेकर के मैं कार्यकर्ता साथियों आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, गंगापुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐ मेरे भाइयों, समय आ गया, आपको खड़ा होना पड़ेगा और खड़ा होकर के आपको अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब राजस्थान की सरकार सुनने वाली नहीं है। और जैसा पहले से पूर्व वक्ता कह रहे थे, माननीय अशोक गहलोत जी, आप कांग्रेस के राजस्थान के अंतिम शासक होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, जनता का ये मन बन चुका है। इसलिए आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए महामहिम के नाम हम ये ज्ञापन देंगे, और आप सब बड़े ताकत के साथ में इस ज्ञापन को देकर के यहाँ पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गंगापुर सिटी के एक्शन कार्यालय में अब ज्ञापन दिया जाएगा। आम जनता के द्वारा संगीन आरोप लगाए हैं, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार हाय 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 हाय, अशोक गहलोत दोष में आओ दोष में आओ दोष में आओ, अशोक गहलोत दोष में आओ दोष में आओ दोष में आओ, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार
पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है। अशोक गहलोत हाय 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 हाय। अशोक गहलोत हाय हाय हाय। बंद करो, बंद करो। गूंगी भैरी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गूंगी भैरी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मान सिंह गुर्जर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसडीएम साहब, महामहिम राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन है, आपके माध्यम से महामहिम से अपना अनुरोध किया है। गंगापुर शहर के अंदर पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। गंगापुर शहर में जो 2017 में हम चंबल का पानी लेके आए थे, उस टेम्परेरी व्यवस्था में 4 साल में 1 इंच का भी इजाफा नहीं हुआ। आप अपने पीएचडी के अधिकारियों को बुला करके पूछें, राजस्थान की सरकार ने उसके लिए कोई बजट नहीं दिया। और जो घर घर नल योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की केंद्र की है, उसमें 50 गांव हमारे वजीरपुर बेल्ट के ऐसे हैं जिनको जब तक चंबल से नहीं जोड़ोगे घर घर नल नहीं दे सकते। उसके लिए भी जो कंपनी है उसने मना कर दिया, क्योंकि 3.5 करोड़ रुपया उनका बकाया है। और माननीय विधायक जी ने छाण में जिस योजना की शुरुआत की थी वो भी अदर में पड़ी हुई है, क्योंकि वो सारे के सारा ठेकेदार वहाँ से चला गया और रिवाइज करके आप वापस निविदा निकाल रहे हो, यानी जैसे सरकार का कोई दिवाड़ा निकल गया। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि गंगापुर को पानी मिले, सरकार इसके लिए पर्याप्त बजट स्वीकृत करे और गंगापुर की जनता को पेयजल उपलब्ध कराए, शहर और ग्रामीण को। इसी के साथ साथ में जो शहर खुदा पड़ा है उसमें एलएनटी का जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है, जिस एलएनटी के बारे में माननीय विधायक जी कभी कौन सा बयान देते हैं, कभी कौन सा बयान देते हैं, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि चहेतों को पेटी कॉन्ट्रैक्ट देने के कारण आज गंगापुर की यह हालत हुई है कि गंगापुर खुदा पड़ा। और अमृत योजना में जो 96 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था, मैं आपके सामने कह रहा हूँ गंगापुर में कम से कम 8 करोड़ का भ्रष्टाचार है। पीएचडी विभाग ने सीधे के सीधे पाइप बेचे, उसकी जाँच होनी चाहिए। आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज जिस प्रकार से 90 जमीनों की जा रही है उसके अंदर भारी घपला है और आम चर्चा है कि ये राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है, क्योंकि सरकार का नियम है 10 हेक्टेयर तक जमीन में 40%, उससे कम में 50% जमीन सरकार को सरेंडर करनी पड़ती है। जहां नगर निकाय स्थानीय निकाय सुविधा विकसित करता है, गंगापुर में ये नहीं हो रहा है। इसलिए 4 साल में जितनी भी 90 हुई उसकी जांच होनी चाहिए। इसी के साथ साथ में जिस गंगापुर के अंदर सड़कों की जो हालत है, आज पूरे राजस्थान में सबसे कम सड़क स्वीकृत हुई है तो गंगापुर में हुई है, ये सरकार के आंकड़े हैं। इसलिए गंगापुर के साथ में ये जो भेदभाव हो रहा है, और माननीय विधायक जी जो अपना विधायक कोष का उपयोग नहीं कर रहे, क्योंकि राजस्थान के 27 MLA जो सबसे पिछड़ी है उसमें उन्होंने नाम आया है, इसलिए ये भी हमारे लिए शर्म की बात है। इन सारे मुद्दों को लेकर के गांव वालों ने अलग से सेवा जीवनी टॉक्सिन अलग से दिया है और ये 2-3 गाँवों ने अलग से दिया है। इसको नक्ती करते हुए मैं ये ज्ञापन आपको देता हूँ महामहिम को, और एक मंदिर माफी का, शेड रोड पर पे मुजाहिद जो कांग्रेस का पार्षद है विधायक जी के पास बैठता है, 2 मंजिल का भवन बढ़ गया। एसडीएम साहब आप यहाँ पे टेम्परेट लगे हुए एक बार जरा देख ले। और वार्ड नंबर 27 में आम चर्चा है कि आप वहाँ पे मंदिर माफी पे माननीय विधायक जी का नाम आ रहा है कि विधायक जी के संरक्षण में ये कब्जा हुआ है, तो एक बार इन दोनों को आप जांच करा ले, ये मेरा निवेदन है। बरसात से मेरे साहब मेन रोड के मेन हॉल तो सही हो गया भैया, कोई मेन हॉल गुलाब चला पे टूटा पड़ा। मान सिंह गुर्जर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मान सिंह गुर्जर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोविंद भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये ठंडा है का नहीं वाले फोटो अब तुम्हारे को कहां हमारे किचन में। मान सिंह गुर्जर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मान सिंह गुर्जर जिंदाबाद, जिंदाबाद।
बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी हुंकार रैली, पहले भी इस तरह के धरने और प्रदर्शन किए हैं जन समस्याओं को लेकर के, लेकिन सुधार की कहीं कोई गुंजाइश अभी नजर नहीं आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस हुंकार रैली के माध्यम से आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य पद्धति है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, जनता के हितों के लिए काम करती है। हमने पिछली बार हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत सरकार को चेताने का काम किया था और आज हुंकार रैली के माध्यम से आपने देखा है कि हजारों की संख्या में आज जिस प्रकार से हजारों का प्रधान हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं, उन हजारों कार्यकर्ता आप देख सकते हैं, ये इसलिए आए हैं कि गंगापुर के अंदर जो अव्यवस्थाएं हो रही है, माँ बहन को पानी नहीं मिल रहा है, पूरा शहर खुदा पड़ा है और जिस प्रकार बिजली की हालत है, सड़कों की हालत है, उन सब के साथ साथ में गंगापुर में 90 जो कर रहे हैं जमीनों की, उसमें भारी घोटाला है और आम चर्चा है कि ये सब विधायक के इशारे पे हो रहा है, उनके चहेते लोगों को हो रहा है। इसलिए चार साल में जितनी 90 जमीनों की हुई उसकी जांच होनी चाहिए और अमृत योजना में जो 96 करोड़ रुपए का पाइपलाइन बिछी है उसमें 8 से 7 करोड़ का घोटाला है, उसकी जांच होनी चाहिए। गांवों में PHD की लाइन नहीं डल रही है, टंकियों में पानी नहीं है, टंकियाँ सूखी पड़ी है। कमांड एरिया में सेवा, टोक्सी, जीवली, बजीरपुर ये गाँवों को चंबल से जोड़े जिससे उनको पानी मिल सके और सब लोगों को घर घर नल योजना का लाभ मिल सके। अस्पताल की स्थिति ठीक हो, क्योंकि आज अस्पताल में CT स्कैन का 2 साल से प्रचार होता है, वो CT स्कैन का पता नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हमने सरकार को जगाने का काम किया है। अगर राजनीतिक रूप से जरा भी इनके अंदर गैरत है तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे और गंगापुर की जनता के लिए इस अमृत योजना का और चंबल का बजट स्वीकृत करेंगे, यही हमारी मांग है। मानसिंह सर, सुनवाई होगी कैसे जब एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े जो अधिकारी हैं उनके ही पद खाली चल रहे हैं, चाहे आयुक्त का हो प्रदर्शन के बाद में ज्ञापन दिया गया। ¡Gracias!